स्टैंडर्ड 10th. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बुक नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उस नाम का लेसन भी है इसमें. सप्लीमेंट्री, आपके दो बुक्स होती हैं, एक प्रोज और सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री कहानियाँ होती है जो मैसेज देती है, संदेश देती है, वो हमें कुछ सिखाती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू रीड द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी. ये जो हमें कहानी बता रहा है वो चोर अपने खुद की जबान से बता रहा है कि वो क्या करता था, क्या कर रहा है, कैसे उसका जीवनचर्या चल रही है. आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. आई चोर है, खुद कहता है कि मैं एक चोर था अभी भी जब मैं अनिल से मिला. एंड दाउ ओनली 15 ईयर, और मेरी आयु 15 साल थी. आई वॉज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सस्पेंड, और मैं अपने काम में बड़ा निपुण था. काम कौन था? चोरी करना. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच. When I approached him, जब मैं मिला तो अनिल एक कुश्ती का मैच खेल रहा था, देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. तो दो करेक्टर आपके सामने हैं इस पूरी स्टोरी में. एक तो चोर है जिसकी आयु 15 साल है, एक अनिल नाम का करेक्टर है उसकी आयु 25 ईयर्स. ए टाल लीन फेलो, एक लंबा और पतला. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो एक साधारण आदमी प्रतीत होता था. एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, उसका उद्देश्य यानी कि उसको चोरी करने के उद्देश्य से ये आदमी ठीक था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. कहता है कि मैं उसके विश्वास को जीतना चाहता था. यू लुक ए बिट रेसलर, उसने कहा कि आप पहलवान लगते हैं. और इसमें क्या कहते हैं कि हरी सिंह इस चोर का नाम है. हरी सिंह नाम चोर का है, और मिलता किससे? अनिल से. तो हरी सिंह एक राइटर है, 25 साल उम्र है, और वो इरेगुलर कुछ कमाता है, और उसके हरी सिंह ये काम करना चाहता है. क्योंकि हरी सिंह जो चोर है उसने सोचा कि ये आदमी बड़ा साधारण सा है, इसकी डकैती करना, चोरी करना बड़ा अच्छा रहेगा. तो हरी सिंह उसे काम पर रखता है. काम पर इसलिए रखता है, उसने कहा कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, जबकि वास्तव में 15 साल की उम्र में चोर ने कभी भी खाना नहीं बनाया था. हरी सिंह एक बार तो उसे भगाना चाहता है, लेकिन फिर वो दया आ जाती है, उसे खाना बनाना भी सिखाता है, पढ़ना लिखना भी सिखाता है. लेकिन एक दिन अनिल की कहीं मैगजीन छपी और उससे 600 रुपये यानी एक बंडल नोट का लेकर आया. रात के समय वो मैट के नीचे जो चटाई होती है उसके नीचे रख देता है. तो अचानक उस हरी सिंह चोर के मन में एक पाप जाग जाता है कि इसकी चोरी की जाए, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से उसने किसी प्रकार की चोरी नहीं की थी. और जबकि ये हरी सिंह नामक चोर कहता है कि हर महीने मैं अपना नाम बदल लेता था, हर महीने मालिक बदल लेता था. अब वो रात को जब पैसे चुराता है अनिल का, और पैसे चुरा कर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है, तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है. उसकी आत्मा कहती है कि एक ऐसा इंसान जो संसार में उसे अच्छा बनाने की ओर लगा हुआ है, यदि उसके घर पर चोरी की है तो वो आदमी उदास होगा. उदास इसलिए नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, उदास इसलिए होगा कि वो एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना रहा था, एक विश्वास कर रहा था, उसने विश्वास तोड़ा है, इसलिए वो इंसान आज उदास होगा और भविष्य में शायद किसी पर विश्वास ना करे. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरी सिंह जो नामक चोर है वो वापस अनिल के घर आ जाता है. पैसे रात को तकिए के चटाई से नीचे से उठाए थे वहीं वापस रख देता है. सुबह अनिल उसे 50 रुपये का नोट भी देता है, चाय बना कर देता है, लेकिन मुँह से कुछ भी शब्द नहीं बोलता. नोट गीले थे, अब रूम में सोया हुआ है, चटाई के नीचे थे, नोट गीले थे. गीले का मतलब जब चुरा कर हरी सिंह पैसे लेकर गया तो रात को बरसात हो रही थी, उससे नोट गीले हो गए. अब हरी सिंह नामक चोर है, उसने भी मन में निश्चय किया कि वो बड़ा अच्छा इंसान बनना चाहता है इस संसार में, इसलिए आज के बाद वो चोरी नहीं करेगा. तो कहने का तात्पर्य, मैसेज ये दे रही कि यदि हमारी संगत अच्छे लोगों के साथ होगी तो हम भी अच्छे बन जाएंगे, और यदि हमारी संगत बुरे लोगों के पास साथ होगी तो हम भी एक न एक दिन बुरे बन जाएंगे. तो इस स्टोरी का मैसेज है कि आप अच्छे विद्यार्थियों के साथ संगत रखें, अच्छे पड़ोसियों के साथ संगत रखें, अच्छे लोग हैं उनके साथ संगत रखें, उससे अच्छाइयां संसार की सीखेंगे. बुरे लोगों के साथ संगत है, अच्छे जो विद्यार्थी नहीं है उसके साथ संगत है, वो आज समय है कि आज ही आप छोड़ दें. थैंक यू ऑल ऑफ यू.